जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है राकेश। LG ना उन ब्रांड्स में से आता है जो कि मतलब जो मुझे भी पसंद है काफ़ी ज़्यादा। इवन अभी मैंने LG का रिव्यू किया था, विंक, एक डिफरेंट लेवल का बिल्कुल स्मार्टफोन है। LG हमेशा ऐसे ऐसे काम करता रहता है। और साथ में रिसेंटली वैसे मैंने फ्रिज भी LG का ही बाय किया, तो आप समझ सकते हो LG से भावनाएं मेरी। बट ये स्मार्टफोन की दुनिया में उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, आप जानते हो, लेकिन इनके फ़ोन वगैरह जो होते हैं काफ़ी यूनिक होते हैं और अपने आप में। जैसे ये फ़ोन है ना LG K42, ये आप ही में से काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि भाई इसके अंदर ना स्पेशली एक मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिलता है ना, तो ये उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा हो सकता है जो लोग रियल लाइफ में फ़ोन गिराते वगैरह रहते हैं, है ना। तो उसके बाद मैंने इसको देखते हैं, मैं क्या क्या है इसके अंदर। तो फ़ोन के साथ एक मस्त सा बैक कवर है, ये अच्छी बात है, मतलब 11,000 रुपये का फ़ोन है। ट्रिपल स्लो 10 वोल्ट का चार्जर, टाइप सी, ये सब एक कॉम्बिनेशन अच्छा दे रखा है। 3 GB का रैम है, 64 GB इंटरनल है, बाकी HD+ डिस्प्ले है, 4000mAh की बैटरी है, 10 वोल्ट का एक चार्जर है, हेलियो P22 प्रोसेसर है, जो कि इस रेट में डेफिनेटली आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा प्रोसेसर है, बहुत ही बेसिक एवरेज काम करने के लिए। तीन चीज़ें इसको सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है। पहला तो इसका डिज़ाइन देखो आप, मैं इस फ़ोन को कह सकता हूँ यस ये है बेस्ट डिज़ाइन वाला स्मार्टफोन इस रेट में। मतलब बैक से देखो आप, एकदम प्रीमियम लगता है। इवन जो फ्रंट से देखे ना, तो यहाँ पर कोई ऐसे आपको सिंपल सा एक पंच होल दिया गया जो कि इस रेट में नहीं मिलता सभी फ़ोन में। सेकेंडरी नॉइज़ कैंसिलेशन माइक वगैरह भी दे रखा है, तो ये मुझे डिज़ाइन पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। और 2 साल की वारंटी, और एक बार अगर आपका फ़ोन टूट जाता है 6 महीने के अंदर स्क्रीन रिप्लेसमेंट फ्री है। तो अगर हम लोग प्रोसेसर को थोड़ा डाउनग्रेड माने तो ये चीज़ें बाकी ब्रांड नहीं देते ना। तो वैसे मैंने कहा ना, हर ब्रांड का अपना हिसाब होता है। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कि ये जो मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन है ना, ये कितना काम करता है। ये सर्टिफिकेशन एक्चुअली टेस्टिंग के बाद मिलता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखो ना, शॉक यानी कि गिरने से प्रोटेक्ट करेगा, वाइब्रेशन, ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर वगैरह, हाई टेम्परेचर कंडीशन में, लो टेम्परेचर कंडीशन में, एक्स्ट्रा सेफ बनाता है इस फोन को। और इन्होंने ऐसे ओपनली लिखा हुआ है, एक्सट्रीम एनवायरमेंट में वर्क कर सकता है। एक वर्ड का मतलब मुझे नहीं समझ आया, क्लम्सी, इसका जो मतलब गूगल पे है, लापरवाह बेढंग तरीके से काम करने वाला फुअर भद्दा। वो लिखा हुआ भाई, किसी को नाराज या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकने वाला बेढंगा, वही वाला काम करने जा रहा हूं मैं आज। तो इसका मतलब यही है कि जो रफ एंड टफ फोन यूज करते हैं, जैसे बहुत से लोग हैं आउटडोर काम करते हैं, मान लो ना, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वहां पर फोन यूज करते हैं, या कुछ लोग फैक्ट्री में काम करते हैं वहां पर फोन यूज करते हैं, जिनका फोन बार बार गिर सकता है। मतलब आप कंडीशन आप खुद अंदाजा लगा लो। कुछ लोग खेत में काम करते हैं या फिर आउटडोर ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा रफ एंड टफ यूज करते हैं। तो मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया, मैंने कहा जो आपके पास आइडिया है मुझे बताओ। तो पहले तो कुछ ऐसे यूनिक आइडिया आ गया, भाई गुस्से में दीवार पे फोन फेंको, नहीं यार ऐसे नहीं होता। एक बात याद रखना आपको, फोन यूज करने के लिए होता है, और मेरा चैनल कोई ड्यूरेबिलिटी टेस्ट नहीं करता, क्योंकि ये ब्रांड कह रहा है स्पेशली। तो और आपने पूछा तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। और मैं ही जानता हूँ मेरा क्या हाल हुआ था इसको टेस्टिंग करते हुए, क्योंकि यार फोन वोन तोड़ने के लिए नहीं होता, राइट। क्योंकि मेरा ये नोट 10 प्लस टूटा हुआ, 1+7T मेरे से लाइक वो शायद 2 फीट की हाइट भी, हाँ ऐसी कुछ टूटा था। नोकिया लुमिया 925, सोनी एक्सपीरिया एस, ऐसे ऐसे सारे फोन मैं तोड़ चुका हूँ गलती से, अदरक कूटना था। तो ये काम मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ बेसिकली, इसलिए सब्सक्राइब कर देना। नहीं, अगर वीडियो पसंद आ रही तो रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। अरे भैया उतना ही चाहिए। अरे यार मुझे बेचना नहीं है, पॉलिथीन बचाओ। तो अदरक मिल चुका है, इतना तो आराम से, इतना मजबूत तो है ये फोन। ओ भाई साहब चाय बनाएंगे आज, ओके, एकदम क्लीन, कोई स्क्रैच नहीं है एकदम। इन्होंने कहा कि पबजी खेलो 6-7 घंटे के लिए रोज, ये बेसिक एवरेज काम के लिए फोन है। ये प्रोसेसर इतना कैपेबल नहीं, और इसके अंदर जायरोस्कोप सेंसर वगैरह भी नहीं है। और पानी में अगर फोन चला जाता है, तो ये वाला रियल लाइफ टेस्ट करना था। मिनरल वाटर में हमेशा पानी में नहीं जाता फोन, रियल लाइफ में कहीं भी जा सकता है। वैसे मैं बाहर गया, मुझे एक ट्यूबवेल मिल गया, खेतों में होता है ना, वैसे ये जिनका ट्यूबवेल था इनका खुद का इंटेक्स का फोन है, बार बार पानी में चला जाता है, लेकिन कहते भाई निकाल लेता हूँ, सूख जाता है फिर काम करने लग जाता है। तो मैंने इन्हीं से कहा कि आप ही इसको पानी में डालो। आइडिया था कि 10 मिनट हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, बट क्योंकि ये ना कोई IP रेटिंग के साथ फ़ोन नहीं आता, तो 10 मिनट करना बेवकूफ़ी है। तो मैंने सिर्फ 2 मिनट किया। कितना मिनट हुआ? 2 मिनट हो चुके हैं। अब चेक करते हैं इसको, लाइक अभी, ओके, सो फोन तो अभी तो चल रहा है, अपने आप ही शो कर रहा है, थोड़ी देर में, ओके, फिर से, एंड सैडली स्पीकर गोन, स्पीकर के अंदर कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो वाटर टेस्ट में ये 2 मिनट के अंदर फेल हो चुका है, अब इसके अंदर कोई आवाज़ नहीं आ रही है, स्पीकर इसका जा चुका है, अजीब अजीब पावर बटन अपने आप ही शो कर रहा है, प्रेस हो रहा है, ये है वो है। तो अब ये है कि क्या पता पानी सूखने के बाद वर्क करने लग जाए।
चल गया और ये चल गया चल गया चल गया चल गया। सो फेल होते होते ये पास हो गया वोटर टेस्ट से। मूविंग बाइक से पॉकेट से गिराना, पॉकेट से तो नहीं गिरता वैसे, बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं हेलमेट में यहाँ फंसा के बात करते हुए जाते हैं, नहीं करना चाहिए, गलत बात है, ये ध्यान भटकता है। और वैसे हेलमेट लगाना चाहिए, मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ, मैं बाइक अभी राइड नहीं कर रहा हूँ। तो ये बाइक है, ये नीचे, ओके, तो ये पूरा निशान आ गया, बट फोन को लाइक कुछ भी नहीं हुआ है। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे आइडिया दिए गए थे इस कॉमेंट में, बाकी ड्रॉप टेस्ट था। और यहाँ पर नीचे ना एकदम कंक्रीट है, और नॉर्मल कितनी हाइट से गिरेगा फ़ोन, ये बिल्कुल मैं डिस्प्ले के साइड से गिरा रहा हूँ। और ये, और यार मन नहीं कर रहा, 1 2 3 शिट यार प्लीज भाई, काफी बुरी तरह गई है यार। ओके बैक साइड, 1 2 3 कैमरा ग्लास चकनाचूर है। अच्छा ये पानी कैमरे के अंदर भी जा चुका था जब हम लोग पानी में डुबाए थे इसको, याद है, ये मॉइस्चर है। अभी ये वाइब्रेशन करता है, एक हल्का सा ऑन होता है, फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, ऑफ हो जाता है, ऑलमोस्ट डेड है, शायद पानी की वजह से दोबारा ऑन नहीं हो रहा होगा क्योंकि फोन टूटने पे भी चलना चाहिए। इन शॉर्ट आपको एक सीख मिल जाती है वीडियो से, पता क्या, कोई भी फोन हो, सस्ता हो महंगा हो, कोई भी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन हो, विक्टस हो, 5, 6, 3, 2 जो मर्जी, आपको एक टेम्पर्ड ग्लास, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं लगा था जब ब्रांड ने भेजा था, कोई टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगा था, एक टेम्पर्ड ग्लास यूज करना ही करना है। लोकल यूज कर सकते हो जो ऑफलाइन मार्केट में मिलता है सस्ते वाला, किसी ब्रांड का यूज कर सकते हो, जैसे मैं इस वीडियो को भी, हालांकि इन्होंने स्पॉन्सर भी किया, और मेरे आईफोन पे ग्लेजडिंग का ही टेम्पर्ड ग्लास लगा है, कॉर्नर से ना हल्का सा कर्व होता है, हालांकि इसको इस तरह से बनाया जाता है कि जेस्चर वगैरह स्वाइप करने में ना आपकी उंगलियां फंसती नहीं है, और फिट भी अच्छा आ जाता है। और 300 से लेके 500, 700, 900 अलग अलग रेट के टेम्पर्ड ग्लास मिल जाते हैं, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट जरूर करना। पीछे भी जब मैंने नया नया लिया था, हल्का सा चाकू से हल्का सा स्क्रैच करने की कोशिश की, बिना ज्यादा जोर लगाए, बहुत प्यार से रगड़ा था, तो यहाँ पर इसके उस पर जो ये बॉडी सा है ना, इसका बैक कवर, इस पर भी स्क्रैच आ गए थे, हालांकि बहुत हल्का आया था। तो बिल्कुल इसका मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन आपके किसी काम का नहीं है, रियल लाइफ में एक टेस्ट इसने पास नहीं किया, सिर्फ रोड पे जब गिरा था ना वो बिल्कुल कॉर्नर से गिरा था इसलिए बच गया था। अभी 6 मंथ का इन्होंने स्क्रीन रिप्लेसमेंट दे रखा है, तो मुझे, मैं भेजूंगा सर्विस सेंटर, शायद ये रिप्लेस हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, हालांकि क्योंकि मैंने पानी में भी गिराया था तो शायद उस वजह से ये लोग मना करें कि हाँ भाई पानी में जा चुका है, वो सारी बात की बातें, क्योंकि फोन भी नहीं ऑन हो रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी महंगी होगी मेरी वीडियो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।